हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं हम स्टेयर के बारे में, जिसे हिंदी में कहते हैं सीढ़ी। ये क्या होता है कि हमें एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर हमें पहुंचाती है, इसमें स्टेप्स होते हैं, वह स्टेप से एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर हमें पहुंचाती है। ए स्टेयर इज ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स प्रोवाइडेड टू अफोर्ड द मीन्स ऑफ एस्केंट एंड डिस्केंट बिटवीन द फ्लोर्स और लैंडिंग। इसके बाद में इसमें क्या होता है, आपके स्टेयर में इसमें टर्म होते हैं, कुछ सम टर्म्स होते हैं और इसमें आपका स्टेयर में ज्यादा नहीं है, बस टर्म्स हैं और टर्म्स में बताने जा रहा हूं आपका। सबसे पहले आपका जो टर्म है वो आता है ट्रेड। ट्रेड किसे कहते हैं सबसे पहले, तो ट्रेड जो होता है ये आपका हॉरिजेंटली अपर पार्ट ऑफ अ स्टेप ऑन विच फुट इज प्लेस्ड इन एस्केंडिंग और डिस्केंडिंग अ स्टेयरवे इज कॉल्ड ट्रेड। इसमें क्या होता है आपका, जब आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं जिस तरह आप पैर रखते हैं, जो हॉरिजेंटल आपका होता है उसे कहते हैं हम ट्रेड। उसके बाद में सेकंड टर्म आता है हमारा इसमें राइजर। राइजर राइजर हम किसे कहते हैं, राइजर जो होता है फ्रेंड ये वर्टिकल पोर्शन ऑफ अ स्टेप प्रोवाइडिंग अ सपोर्ट टू द ट्रेड इज कॉल्ड राइजर। राइजर क्या होता है आपका, दो ट्रेडों के बीच में जो वर्टिकल होगा उसे हम कहते हैं राइजर। और तीसरा आपका जो स्टेप आता है, तीसरा स्टेप होता है फ्लेयर, FLIER फ्लेयर। ये क्या होता है आपका, ये स्ट्रेट स्टेप होता है आपका, हैविंग अ पैरेलल विथ ऑफ ट्रेड इज कॉल्ड फ्लेयर। उसके बाद में आता है आपका फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ टर्म आपका होता है फ्लाइट। फ्लाइट क्या होता है आपका, फ्लाइट में जो होता है आपका ये अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्टेप्स बिटवीन टू लैंडिंग इज कॉल्ड फ्लाइट। दो लैंडिंग में ये हमारे सीक्वेंस को जो है स्टेप का जो सीरीज होती है उसको हमारी अनब्रोकन कर देती है। उसके बाद में आती है हमारी फिफ्थ जो आता है वो होता है लैंडिंग। लैंडिंग हमारा क्या होता है, लैंडिंग में हमारा ये हॉरिजेंटली प्लेटफॉर्म होता है, ये इससे हम आपकी हमारी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। अगर हम सीढ़ियों पे ज्यादा चढ़ते हैं और हमारी ट्रेड कुछ ज्यादा है, हम थक जाते हैं या कोई बुजुर्ग चढ़ रहा है, बच्चा चढ़ रहा है, तो लैंडिंग एक मीटर के मिनिमम एक मीटर की होती है, मिनिमम होती है एक मीटर की, तो एक मीटर की होनी भी चाहिए। तो इस पे आराम से आप थकान दूर कर सकते हैं, आपकी जो टेंशन है उससे आप दूर कर सकते हैं। लैंडिंग हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म एट द टॉप और बॉटम ऑफ अ फ्लाइट बिटवीन द फ्लोर्स इज कॉल्ड लैंडिंग। इट फैसिलिटीज क्या होती है इसमें, चेंज ऑफ डायरेक्शन एंड प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर टेकिंग रेस्ट ड्यूरिंग द यूज ऑफ द स्टेयर। उसके बाद में हमारा अगला टर्म होता है इसमें राइज। राइज क्या होता है, राइज होता है एक वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रेड फेसेस इज कॉल्ड राइज। राइज दो ट्रेड जो होती है आपकी जो इस तरह से जो ट्रेड है ये होती है आपकी सीढ़ी इस तरह से जा रही है, इसको जो हम बोलते हैं ये तो होती है आपकी ट्रेड। क्या होती है, ये होती है आपकी ट्रेड, और जो ये वर्टिकल मेंबर है इसको बोलेंगे हम राइज। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टर्म होता है वो आता है हमारा गोइंग। सेवंथ हमारा टर्म आता है इसमें, सेवंथ टर्म होता है हमारा गोइंग। ये क्या होता है हमारा गोइंग, इसमें क्या होता है, द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव राइजर फेसेस। ये सक्सेसिव जो राइजर होती है उनके बिटवीन, टू सक्सेसिव राइजर के बिटवीन में होता है, जिसे हम गोइंग कहते हैं। उसके बाद में एट टर्म आता है नोजिंग। नोजिंग आपका क्या होता है, द प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ द ट्रेड बियॉन्ड द फेस ऑफ राइजर इज कॉल्ड नोजिंग। एंड नेक्स्ट टर्म स्कॉटिया। स्कॉटिया जो आपका होता है, नाइन्थ टर्म जो होगा आपका स्कॉटिया। स्कॉटिया में क्या होता है आपका, ए मोल्डिंग प्रोवाइडेड अंडर द नोजिंग टू ब्यूटीफाई द एलिवेशन ऑफ अ स्टेप एंड टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू नोजिंग इज कॉल्ड स्कॉटिया। आपका जो एक इसके नीचे से आपका एक लेंटर हम सरिये से डालते हैं ताकि हमारा प्रोवाइड कर सके। उसके बाद में ये हमारे यहाँ पे फ्लोर होता है और ये फर्स्ट फ्लोर होता है हमारे यहाँ पे, यहाँ हमारी कोई वॉल है, ये जो जगह बची इसी को कहते हैं हम स्कॉटिया, बीच में जो हमारी जगह बच जाती है। टेंथ टर्म जो आता है हमारा, टेंथ टर्म है हमारा इसमें सोफिट।
अगला जो इसमें आ जाता है हमारा वो आ जाता है सॉफिट। सॉफिट क्या होता है हमारा, द अंडर सरफेस ऑफ अ स्टीयर इज कॉल्ड सॉफिट। सॉरी, इसको तो कहते हैं हम सॉफिट, और ये जो नीचे का जो हमारा ये लेंटर पड़ा होता है, लिंटल जिसे हम बोलते हैं, इसको कहते हैं स्कोटिया। उसके बाद में अगला जो टर्म आता है वो आता है स्लोप। स्लोप जो हमारी, जिस हिसाब से हम स्लोप देते हैं अपनी लेवन स्लैब, स्लोप हमारी, आपको पता ही स्लोप जो हमारे इस तरह का जो हमारा लिंटल पड़ा होता है, इस पे हम ऊपर अपनी ट्रेड एंड राइजर बना के हम ऊपर तक ले जाते हैं अपनी सीढ़ी को, उसे कहते हैं हम स्लोप। एंड ट्वेल्थ टर्म हमारा अगला टर्म आएगा, इसमें अगला टर्म है हमारा स्ट्रिंग्स। दस स्ट्रिंग्स किसे कहते हैं, पहले स्ट्रिंग्स आपका क्या होता है, द स्लोपिंग मेंबर्स विच सपोर्ट द स्टेप इन अ स्टीयर आज कॉल्ड स्ट्रिंग। फिर आता है विलस्टर, विलस्टर क्या होता है आपका, द वर्टिकल मेंबर ऑफ वुड और मेटल टू सपोर्ट द हैंडरेल इज कॉल्ड विलस्टर। ये आपकी जो इस तरह से आपकी सीढ़ी होती है, जैसे मैंने आपको बताया, इनको तो कहते हैं हम ट्रेड, और जो हमारा इस तरह का होता है इसे कहते हैं हम राइज। अब इसके बाद क्या होता है हमारा, हमारी हैंडरेल लगी होती है इस तरह की, और हैंडरेल को सहारा देने के लिए लास्ट ट्रेड पे और फर्स्ट ट्रेड पे आपका किसी मेटल का या लकड़ी का इस तरह का वर्टिकल एक मेंबर होगा जिसको ये सहारा दिया होता है, इसी को कहते हैं हम ब्लस्टर। एंड नेक्स्ट आता है हमारा इसमें ब्लस्टरेड। फोर्टीन आपका ब्लस्टरेड। ब्लस्टरेड क्या होता है, इज द कंबाइंड फ्रेम वर्क ऑफ हैंडरेल एंड ब्लस्टर इज नोन एज ब्लस्टरेड। ब्लस्टरेड मतलब ये दोनों हमारे एक ही काम करता है, इस तरह का वर्टिकल हमारा मेंबर होता है। 15 आपका आता है हैंडरेल, जो मैंने आपको भी बताया थे हैंडरेल क्या होती है। हैंडरेल एक तरफ तो आपकी वाल आ जाती है हमारी सीढ़ियों के साइड में, और एक तरफ हमारा खुला होता है, तो उस तरफ हम इस तरह का एक हैंडरेल लगा देते हैं। ये हमें सीढ़ी से चढ़ने में उतरने में सहारा देने के लिए काम भी आता है। द हॉरिजेंटल और इंक्लाइंड सपोर्ट प्रोवाइडेड एट अ कॉन्वेंट हाइट इज कॉल्ड हैंडरेल। 16 आता है नीवल पोस्ट। नीवल पोस्ट हमारा क्या होता है, द वर्टिकल मेंबर प्लेस्ड एट द एंड्स ऑफ फ्लाइट्स कनेक्टिंग द एंड्स ऑफ स्ट्रिंग्स एंड हैंडरेल्स इज कॉल्ड नीवल पोस्ट। ये जो आपकी हैंडरेल्स से जो लगी हुई है इन्हीं को कहते हैं हम नीवल पोस्ट। उसके बाद में हमारा 17 जो टर्म है इसका स्टेयर का, उसे हम कहते हैं नीवल पोस्ट। में पहले नीवल पोस्ट की बात करते हैं, नीवल पोस्ट में हमारे कई तरह से आ जाते हैं। पहले हम नीवल पोस्ट में ए नंबर, इसमें क्या होता है साइज कितना रखते हैं हम इसमें नीवल पोस्ट, पहले नोट डालते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, उसके बाद हम नीवल पोस्ट की बात करते हैं। जो नोट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, और आपको बताइए कि नोट जो होता है ये इंपॉर्टेंट, और इसमें स्टीयर में ये नोट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम नॉट की बात करते हैं। तो नॉट क्या होता है आपका, नॉट में क्या लिखना है आपको, इसमें आपके कई स्टेप हैं, तो पहले लिखते हैं ए स्टेप। ए में क्या लिखते हैं हम, द साइज ऑफ स्टेप कॉमनली एडॉप्टेड फॉर रेजिस्टेंशियल बिल्डिंग इन 250 mm 250 mm इंटू 160 mm। ये होना चाहिए हॉस्पिटल ETC में होना चाहिए। अगर कंफर्टेबल साइज बना रहे हो तो आपका इसमें जो होना चाहिए वो 300 mm इंटू आपका 100 mm का तो होना चाहिए। उसके बाद में बी ऑप्शन पे आते हैं। बी ऑप्शन में क्या होता है, विथ ऑफ लैंडिंग शुड बी ग्रेटर देन द विथ ऑफ स्टेयर, ये आपका बी। सी ऑप्शन आपका कहता है इसमें, द पिच ऑफ स्टेयर शुड नेवर एग्जिट 40 degree, जो हमारा एंगल लेंगे वो 25 degree टू 40 degree आपका होना चाहिए। काफी बार इंटरव्यू में भी पूछा गया क्वेश्चन, और SSC में भी आपके क्वेश्चन आया हुआ ये दो बार, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। उसके बाद में हम चलते हैं आगे। आगे डी में क्या होता है आपका,
इन डिजाइनिंग अ स्टेयर, जब हम डिजाइनिंग करते हैं स्टेयर की, तो कंफर्टेबल स्लोपिंग अचीव्ड व्हेन द सम ऑफ गोइंग इन सेंटीमीटर एंड ट्वाइस द राइज इन सेंटीमीटर शुड बी इक्वल टू 60 अप्रोक्सिमली, ये आपका होना चाहिए। वुडन जो स्टेयर्स होती है आपकी थिकनेस ऑफ ट्रेड इज अडॉप्ट एज 38, वुडन जो आप स्टेयर बनाओगे वो 30 mm की इसमें थिकनेस होनी चाहिए। तो दोस्तों जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थे और जो इम्पोर्टेंट नोट्स थे, नोट्स काफी हैं, बुक में भी काफी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थे वो ये चार ही नोट्स इम्पोर्टेंट थे। और स्टेयर में आपके कुछ ही टर्म थे जो ये मैंने बताए हैं, अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।